अस्सलामु अलैकुम सामीन, 26 सफरुल मुज़फ़र है, 24 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है जेल के 365 दिन। हमारी मुराद है दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद करीम सिद्दीकी दामत बरकातुहु। हज़रत वाला को 2021 में 21 सितंबर की रात में गालिबन उठाया गया था और अब एक साल से कुछ ज़्यादा हो गया है, 365 दिन मुकम्मल हो गए हैं और आप तभी से जेल के अंदर हैं। अब एक सवाल यह है कि जेल के अंदर हो क्या रहा है और ज़मानत कब होगी। ये दो बातें हर उस आदमी के जहन में आती हैं जो इंसाफ पसंद हैं और उस आदमी के जहन में भी जो हज़रत वाला से अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक़ रखता है। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक जेल से बाहर आने के लिए अब तक की जो कोशिशें हुई हैं वो या तो नाकाम हुई हैं और या खातिर खा कोशिशें नहीं हुई हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी तक हज़रत वाला जेल में हैं, पसे ज़िंदा हैं और उनकी ज़मानत की अर्ज़ी भी अभी तक नहीं लगाई गई है। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट में कोई आदमी बतला दे कि हज़रत वाला की ज़मानत की अर्ज़ी लगी है या नहीं लगी है। लगी है तो कोर्ट ने क्या कहा, और नहीं लगी है तो किस कानून के तहत आप लोग ऐसा हो रहा है कि हज़रत की ज़मानत की अर्ज़ी नहीं लग रही है। मेरी अपनी मालूमात ये हैं कि हज़रत वाला से पहले जो सलीम वगैरह पसे ज़िंदा हैं, पता चला है पहले उनकी ज़मानत होगी फिर उनकी बुनियाद पर हज़रत वाला की ज़मानत होगी, ऐसा कुछ मुझे पता चला है। मैं ये भी अगर गलत समझाऊँ तो हमें कमेटी में वो बतला दें, लेकिन सच्चाई है कि हज़रत वाला को 365 दिन से ज़्यादा जेल में हो गए हैं। हज़रत वाला जेल में हैं, उनके घुटनों में पहले से परेशानी है और वो शुगर के मरीज़ हैं, बीमारी का आर्ज़ा हज़रत को लाहिक है। दुआ की भी दरख्वास्त है कि हज़रत वाला के लिए आप दुआ भी करें और ये भी गुजारिश है कि हज़रत वाला का साया ता देर हमारे सर पर कायम दायम रहे, और जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं उनसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हज़रत वाला के हालात जैसा भी उनको मालूम हैं उनसे हमें आगाह करते रहें, रूशनास कराते रहें, ताकि हज़रत वाला के जो अकीदतमंद हैं, हज़ारों लाखों लोग उनके जानने वाले हैं, उनको कुछ तसल्ली हो सके, इत्मीनान हो सके।